हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है रुबीनाज किचन में। आज हम बनाएंगे अंडे की भुजी, जो कि बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है। हर किसी को ये बहुत पसंद आता है। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। आइए बताते हैं। ये दो अंडे मैंने लिए हैं, ये धनिया की पत्ती है थोड़ा सा, ये मैंने बारीक कटी हुई लहसुन ले रखी है जो कि 4 कली है, ये टमाटर है करीब 2 है, ये एक छोटा शिमला मिर्च है, ये 3 हरी मिर्च है जिसे मैंने बारीक काट लिया है, ये 2 बड़े प्याज है जिन्हें मैंने चॉप्ड कर लिए हैं। ये देखिए मैंने तेल लिया है, मस्टर्ड ऑयल, इसमें मैंने एक छोटी इलायची और लौंग को डाल दिया है, ऐड कर दिया है। बारीक कटे हुए प्याज और नमक इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर जो कि 1/2 टीस्पून है। इन सभी को अच्छे तरीके से चलाते हुए हमें इसका कच्चापन दूर कर देना है। हल्का सा सॉटे होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आप चाहे तो इसकी जगह पेस्ट भी डाल सकती हैं। ये अब मैंने टमाटर इसमें ऐड कर दिया है। टमाटर को डालते हुए अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन की कलियां, जो कि आप चाहे तो इसमें पीस कर भी डाल सकती थी हरी मिर्च और लहसुन, लेकिन ये मुँह में कुचता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसे खड़ा डाला है। आप चाहे तो इसका दरदरा पेस्ट भी डाल सकती हैं हरी मिर्च और लहसुन का, उससे थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर जैसा हो जाता है, लेकिन मुझे इस तरह से ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इस तरह से आपको दिखाया है। आपको जिस तरह अच्छा लगे आप उस तरह बनाइएगा। अब ये देखिए हल्का सा मेरा सॉटे हो चुका है, हम इसको ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए गलने देंगे। हल्का सा गल जाएगा तो मेरा प्याज जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये देखिए ट्रांसपेरेंट आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। अब इसको हल्का सा चलाते हुए मुझे भून लेना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही भुनेंगे, हल्का सा लालपन आ जाएगा, तब हम इसको फ्लेम धीमा कर देंगे और इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। शिमला मिर्च मैंने लास्ट में इसलिए डाला है क्योंकि शिमला मिर्च बहुत जल्दी गल जाता है, ज़्यादा गला हुआ अच्छा नहीं लगेगा और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे लास्ट में डाला है। और इसको 1 मिनट के लिए सिर्फ ढक के हम इसको हल्का सा सॉटे कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, लाल, हरा और हल्का येलो, वाइट, सब इसमें कलरफुल दिख रहा है। अब हम इसमें अंडा तोड़ के डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए मुझे 2 अंडे ऐड करने हैं, मैंने डायरेक्ट इसमें ही तोड़ लिया है। आप चाहे अगर तो सावधानी से इसे किसी बाउल में तोड़ करके फेंट करके डाल लें, मैंने डायरेक्ट ही इसमें डाल लिया है क्योंकि मैंने आराम से डाला है, इसमें बिल्कुल भी छिलका टूट के नहीं गिरा है, आप देख सकती हैं। और इसको यूं ही मिला लें, कोई भी बर्तन गंदा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही यूं ही डाल करके हम इसे इस अच्छी तरीके से भुजी को चला लेंगे ताकि भुजी बराबर वो हो जाए। ये देखिए मैंने धनिया पत्ती से इसे डेकोरेट कर दिया। अब बस हल्का सा इसको चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और हम फ्लेम से इसे उतार लेंगे। ये देखिए हमारी भुजी तैयार हो गई है, कितना अच्छा इसका कलर दिखाई दे रहा है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। बहुत ही टेस्टी भुजी बन के तैयार हुई है, स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है और देखने में भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। ये देखिए इस तरह से हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। भुजी को सारे प्लेट में निकालते हुए मुझे इसे डेकोरेट करना है। आपको जिस तरह से डेकोरेट करना है आप उस तरह से कर सकती हैं, मैंने इसे सिंपल ढंग से सजाया है। प्लीज़ जब तक कि मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ आप फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप नया देख रही हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और इस तरह से आप पराठे, शिमला मिर्च और मिर्च के साथ, ये बहुत ही टेस्टी लगता है, इसकी स्मेल इतनी अच्छी है कि मुझसे रुका नहीं जा रहा, प्लीज़ मैं तो जा रही हूँ इसे खाने। आप फटाफट हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी भुजी कैसी लगी। प्लीज़ इसे बना के ज़रूर देखिएगा, भुजी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अब हम खाने जा रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड, बाय।